माय नेक्स्ट कि मतलब एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए स्पेशली मतलब जो सेकंड ईयर में है या फिर लाइक फर्स्ट ईयर में है, सो उसके लिए मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना ज्यादा जरूरी है कि मतलब वो वहां जाए और आर्किटेक्ट्स के अंदर काम करे, तो ये चीज कितने हद तक जरूरी है? मुझे लगता है मैं जितने भी अपने टीचर्स को सुनी हूँ, जो कि एक सक्सेसफुल पोजीशन और बहुत सारा मतलब आर्किटेक्चर में हम लोग से ज्यादा ही ऑफ कोर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है, ज्यादा मोस्ट ऑफ देम आई यू नो दैट दे हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर और फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ देयर फर्स्ट ईयर फर्म्स अंडर एन आर्किटेक्ट. सो आई बिलीव दैट ये रिक्वायर्ड था और मैंने किया, तो मुझे इस बात का तो कभी भी मतलब अफसोस नहीं रहेगा कि मैं नहीं की. कभी भी रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए ना, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं, तो ये मैंने किया. तो मुझे मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स कर पाए तो बहुत अच्छा होगा. मैं तो क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा जाने आने का प्रेशर नहीं था, कॉलेज जाने आने का नहीं, ऑफिस में आने जाने का, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर ऑफलाइन भी होता तो भी मैं, और सबको ही करना चाहिए, बहुत ही अच्छा चीज है. और आप एक्चुअली जानते हो ना कि क्या होने वाला है आगे जाकर के, तो आप उससे ज्यादा ही मेहनत करते हो कि मैं और थोड़ी अच्छी डेफिनेट पोजीशन में. इनफैक्ट थिंकिंग भी आगे और क्या स्कोप है, क्योंकि 5 years के कोर्स के बाद तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्किंग एक्सपीरियंस में या ऑफिस में डूब जाओ, और भी चीजों के बारे में जानने का मन होता है, तो वो चीजें भी आप जाके कर सकते हो अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहले से जान जाओ कि किस तरह का होता है.